पार्ट है मॉड एज ए डिस्टेंस में ट्रीट करना। मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बता दिया था, अब उसी के कंटिन्यूएशन में मतलब उसी का एक और मेथड है, और आई थिंक दैट कि मॉड एज ए डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सिर्फ डिस्टेंस के मेथड से ही सॉल्व हो सकते हैं, मतलब दूसरे मेथड से भी हो सकते हैं बट डिस्टेंस वाला मेथड बहुत ईजी है। तो मॉड एज ए डिस्टेंस मतलब क्या होगा कि जैसे सपोज कुछ दिया हुआ है मॉड एक्स इक्वल्स टू 3, तो दिस मॉड एज ए डिस्टेंस में मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि इफ मॉड एक्स इक्वल्स टू 3 देन डिस्टेंस ऑफ एक्स, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द ओरिजिन, सब अब बच्चे पूछेंगे सर ओरिजिन क्या है तो मैं वो बताऊंगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर ओरिजिन क्या होगा, यहाँ पर ओरिजिन होगा 0, मतलब जो भी मॉड के अंदर का कंटेंट है उसको इक्वल टू 0 करना होगा। सपोज ऐसा होता मॉड एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 करते तो हमारा ओरिजिन हो जाता 2, ठीक है। अगर ऐसा होता मॉड एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 को 0 से इक्वेट करते और एक्स इक्वल टू माइनस 5 मेरा ओरिजिन हो जाता। तो यहाँ पर अगर मैं मॉड के अंदर के टर्म्स को इक्वल टू 0 करता हूँ तो मेरा 0 ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन, ठीक है। और अब ओरिजिन से क्या है कि अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो जो मेरा ओरिजिन है उधर से अगर मैं 3 स्टेप्स राइट में जाता हूँ, 3 यूनिट डिस्टेंस मैं राइट में जाता हूँ, इन राइट इफ आई गो राइट, तो हमारा एक वैल्यू आएगा। तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये एक्स का एक वैल्यू हो जाए, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू 3, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है 3। ये तो हम लेफ्ट में भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं राइट। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द लेफ्ट विल बी, इतना दूर क्यों बनाना भाई, इक्वल इक्वल ना, इस -3, तो आपकी दो वैल्यू हो जाएगी, अगर आप देखोगे तो दो वैल्यू हो जाएगी, एक हो जाएगी -3, एक हो जाएगी +3। -3 मतलब क्या, अगर आप देखो तो यही हमारा वैल्यू भी आता था अगर आप मॉड सॉल्व करते थे तो एक्स इक्वल्स टू 3 और एक्स इक्वल्स टू -3, आपकी दो वैल्यू आ जाएगी। इसी में मतलब आपको आई होप लॉजिक समझ आ गया है कि आप ओरिजिन पे हो, ओरिजिन से अगर 3 यूनिट राइट में जाओगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और अगर 3 यूनिट लेफ्ट में जाओगे तो एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी, तो वैसे समझना है। अब इसी में दो तीन और एग्जाम्पल देख लेते, लाओ अगर ऐसा दिया होता कि ओरिजिन गैस करना आना चाहिए, अब सपोज दिया होता मॉड एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो ये हमारा लाइन हो जाएगा और ओरिजिन क्या हो जाएगा 0, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स से मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5 और इधर एक आ जाएगा 5, क्योंकि डिस्टेंस तो इधर भी 5 है भले ही नेगेटिव हो, बस ये तो लेफ्ट साइड में चले गए ना, हम नंबर लाइन के लेफ्ट में है तो -5 आएगा, नंबर लाइन के राइट में है तो +5 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वैल्यूज, ओके वैल्यूज, आई होप आपको इतना समझ आ गया, ये हमारे तो एक्स का एक वैल्यू हो जाएगा -5 और एक्स इक्वल्स टू 5, और वैसे भी हम इसका सॉल्यूशन क्या लिखते थे, एक्स इक्वल्स टू 5 और एक्स इक्वल्स टू -5 आफ्टर सॉल्विंग मॉड को सॉल्व करते थे, तो अगर वो पॉजिटिव होगा तो +5, नेगेटिव होगा तो -5, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मैं 5 को मॉड में डालता हूँ तो भी 5 आना है, और -5 को मॉड में डालता हूँ तो भी 5 आना है, ठीक है, डायरेक्ट क्लियर। अब इसी में अब जब ओरिजिन चेंज हो गया, ओरिजिन 0 आ रहे थे अभी, तो अब सपोज ऐसा होता मॉड एक्स -2 इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो अब क्या ओरिजिन क्या हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल्स टू 2, क्योंकि अंदर मॉड वाले टर्म्स को 0 से इक्वेट करोगे तो अब हमारा ओरिजिन हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 2, मतलब अब 2 से 3 यूनिट डिस्टेंस राइट में, तो 3 यूनिट डिस्टेंस राइट में क्या हो जाएगा 1 2 3, दैट इज 2 प्लस 3 5, अगर 2 से 3 यूनिट डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 राइट, अगर मैं राइट में जाऊंगा तो 2 प्लस 3 है ना, और अगर 3 यूनिट डिस्टेंस मेरे को लेफ्ट में आना है तो 2 माइनस 3 1 2 3, दैट इज 1 0 माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 3, तो हमारा एक वैल्यू हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू -1 और एक्स इक्वल्स टू 5, ये हमारे दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आप इसको डिस्टेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्टेंस से ही रिलेट करवाऊंगा, तो डिस्टेंस का लॉजिक अगर समझ आ गया तो अच्छी बात होगी। अगर एक दो तीन और देख लेते हैं, सपोज मॉड ऑफ एक्स प्लस 11 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, घबराने का वाली बात ही नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी हो आपने को डिस्टेंस समझ आना चाहिए बस। ओरिजिन क्या हो जाएगा एक्स प्लस 11 इक्वल टू 0, तो मेरा ओरिजिन हो जाएगा एक्स माइनस 11, ये तो आपको समझ आ रहा है ना कि मॉड वाले को इक्वल टू 0 रखो तो एक्स माइनस 11 मेरा ओरिजिन है, माइनस 11 से डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द राइट, दैट इज माइनस 11 प्लस 5 एंड दैट विल बी माइनस 11 प्लस 5 विल बी प्लस 6, 6 माइनस प्लस 6 माइनस 6 आई एम सॉरी हाँ माइनस 6
माइनस 11 प्लस 5 इज माइनस 6 राइट, तो मैं 5 यूनिट डिस्टेंस अगर इधर जाता हूँ दैट इज माइनस 10 राइट, माइनस 9 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 6 आ जाएगा, और अगर लेफ्ट में जाता हूँ दैट इज माइनस 11 माइनस 5, तो माइनस 11 माइनस 5 मतलब 1 2 3 एंड दैट इज माइनस 16 ठीक है। तो ये आपको दिखना चाहिए, ये डिस्टेंस दिखना चाहिए। हाँ, अब इसी में थोड़ा बहुत अगर मैं चेंजेस कर देता हूँ ठीक है, अब क्या चेंजेस कर दिए मैंने, सपोज ऐसा होता कि 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, या 2x माइनस 4 ले लूँ ताकि 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8 ऐसा होता, तो अब क्या करना है, तो कभी भी जब भी कोफिशियंट ऑफ x आ गया, अगर वहाँ पे x x स्क्वायर x क्यूब कुछ भी हो, तो इस कोफिशियंट को हटाने की कोशिश करा करो। पहले भी सिखाया कोफिशियंट को हटाना है तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो इसमें अगर आप ऐसे 2 कॉमन भी लेते हो तो ये 4 बाई 2 हो जाएगा, आपने 2 कॉमन ले लिया इक्वल्स टू 8, अगर मैं 2 इधर ले आऊँगा तो ये 2 इधर हो जाएगा, यहाँ से हटा दूंगा तो मैं 4 बाई 2 को क्या लिख सकता हूँ, 4 बाई 2 को मैं लिख दूंगा 2, तो x माइनस 2 और 8 बाई 2 हो जाएगा 4 ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन हो गया, मतलब x का ओरिजिन हो गया 2, 2 से 4 यूनिट इधर दैट इज 2 प्लस 4 दैट इज 6, और 2 से 4 यूनिट इधर 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2, और ये हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे दैट इज x इक्वल्स टू माइनस 2 और x इक्वल्स टू 6। आई होप आपको एक लॉजिक क्लिक हो रहा हो। एक दो और देखते हैं, चलो अब क्या 2x की जगह मैं ले लेता हूँ 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 7 ऐसा कुछ हो, या तो 6 ले लो, चलो 6 ले लो, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, आपके हिसाब से। अब 3x माइनस 1 है, अब सर डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो क्या हुआ, आपको करना कोफिशियंट 1 ही है, तो ये 1 बाई 3 हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 6 को भी 3 से डिवाइड कर दिया, ये 2 हो गया। इस इक्वेशन को ऐसा रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं, x का कोफिशियंट 1 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x इक्वल्स टू 1 बाई 3 दैट इज 0.333 होता है, वो हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से 2 डिस्टेंस इधर दैट इज 2.33, ओरिजिन से 2 डिस्टेंस इधर, वो 0.33 माइनस 2 इज गिव मी 1 माइनस 1.66 आपको आना चाहिए, या तो आप ऐसे लिख लो 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1 बाई 3 प्लस 2 प्लस 2 ठीक है, तो ये डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लिक हो गई होगी। अब इसमें एक दो और चीज़ें देखनी है, मॉड एज ए डिस्टेंस में और क्या बचा हुआ है, अगर तो बस ये थोड़ी बहुत आपको एप्लीकेबिलिटी समझ आनी चाहिए कि कुछ भी हो सकता है 2x प्लस, अगर एक और ले लो चलो लास्ट एक क्वेश्चन 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 4 ऐसा कुछ है, या 4 की बजाय मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक 10, 10 भी नहीं 8 भी हो 9 भी हो डिवीजन आना चाहिए, बस ये हो जाएगा x प्लस 7 बाई 2 इज इक्वल टू 5 ठीक है। तो ओरिजिन क्या हो जाएगा, x माइनस 3.5, ओरिजिन माइनस 3.5 है, या 7 बाई 2 लिखो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 7 बाई 2 लिखो, या अब इससे हमको राइट ऑफ 5 में जाना है, तो मतलब प्लस 5, प्लस 5 करूँगा तो 1.5 हमारा वैल्यू आएगा, तो एक तो वैल्यू हो गया 1.5, और 5 लेफ्ट में आना है दैट इज माइनस 3.5 माइनस 5 एंड दैट इज माइनस 8.5 माइनस 8.5 ठीक है। तो x का एक सॉल्यूशन हो गया 17 बाई 2 और माइनस 8.5 व्हाट आई कैन टेल, और एक सॉल्यूशन हो गया 3 बाई 2 और 1.5 कुछ भी कह दो ठीक है, एक बार और चेक कर लो आप, है ना, तो और उनके बीच में 3.5 है, तो मॉड x के इधर जाओ या इधर जाओ और आप वैल्यूज डाल कर देख लो, इक्वालिटी सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई होगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा ठीक है। आई होप आपको इतना लॉजिक क्लिक हो गया हो, अगर ये क्लिक हो गया तो बस आपको डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ मॉड मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्स जो अंदर का टर्म है उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, और ओरिजिन कैसे निकालना है, मॉड के अंदर के टर्म्स को इक्वल टू जीरो कर देना है। तो मॉड एज ए डिस्टेंस अगर आपको क्लिक हो गया है तो आगे मैं काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा तो वो भी क्लिक होनी चाहिए राइट। आई होप सो आपको इतनी चीज़ें क्लिक हो गई। इनइक्वालिटी वाले अगर लॉजिक समझना है कि मॉड की इनइक्वालिटी कैसे निकालनी, तो ये भी ईजी है, आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक समझाऊंगा जो हमने इनइक्वालिटी में पढ़ा था उसी पे बेस्ड है ठीक है। मॉड एक्स इक्वल्स टू 5, अगर मॉड एक्स इक्वल्स टू 5 है तो आपको ये पता ही होगा कि हम कैसे सॉल्यूशन निकालते थे, एक अगर ओरिजिन 0 है तो एक माइनस 5 और एक 5, तो हमारे सॉल्यूशन क्या हो जाते थे, ये वाले दैट इज ये वाला नहीं मतलब इक्वल टू साइन है ना, हाँ वेट आई एम सॉरी, हाँ अगर ये मॉड एक्स इक्वल्स टू 5 है तो हमारा सॉल्यूशन क्या आता था, एक्स एक प्लस 5 और एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 है ना, ये दो सॉल्यूशन आते थे। तो अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो हमारा पहले माइनस 5 और एक 5 एक पॉइंट आता था और जिसमें ये दोनों वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई हो रही थी। तो अगर ऐसा कुछ दिया है मॉड एक्स स्मॉलर देन 5 तो आप देखोगे ओरिजिन से इसका वो डिस्टेंस जो 5 से इक्वल हो, और अगर स्मॉलर हो तो अब आप ऐसे अज्यूम कर लो कि मेरा 5 डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बट जैसे मेरा यहाँ ओरिजिन क्या है 0, तो मेरा ओरिजिन से 5 से कम मतलब इंक्लूड नहीं करना है, तो ये 5 से कम कौन सा हो जाएगा, ये वाला ठीक है, मतलब 5 के अंदर अंदर, तो हमारी रेंज ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स फ्रॉम माइनस 5 टू 5 ठीक है, ये क्लिक होना चाहिए आपको क्योंकि ये 5 से कम है ना, अगर आप देखो हम ओरिजिन पे है
पहले हमारे पास अलाउड था कि हमको 5 तक पहुंचना है इधर और इधर -5 तक पहुंचना है। अब क्या है कि हम 5 तक नहीं जा सकते, अब हमारा डिस्टेंस 5 से कम होना चाहिए। तो मैं लेफ्ट डायरेक्शन में भी 4.9, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, 4.9, 4.8, 3.9, 3.2, इधर भी -5, -4, तो डिस्टेंस तो 3 ही है ना। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मैं इधर भी 5 जा सकता हूँ, 5 नहीं, 5 से थोड़ा सा कम, और इधर भी 5 से थोड़ा सा कम जा सकता हूँ। तो मेरा रेंज ऑफ वैल्यूज ही आ गया। तो अगर ये दोनों समझ आ गए तो इससे ये भी समझ आ जाएगा, दैट इज कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 5, मतलब हमारा लाइन अब क्या वही -5, अब 5 हमारा एक पॉइंट है और एक -5 है, और ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट 0 है। वेट, मैंने उल्टा बना दिया ना, लेफ्ट में -5 और इधर पॉजिटिव, हाँ ठीक है। तो अब हमको समझ आना चाहिए कि अगर मेरा 5 से बड़ा होना चाहिए डिस्टेंस, मतलब अब मुझको 5 से आगे जाना है दोनों साइड से अगर जाना ही है, तो ये वाले एरिया से, ठीक है, मतलब दोनों बाहर बाहर के, तो रेंज ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, दैट इज एक्स इज स्मॉलर देन -5 और एक्स इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ये दोनों क्लिक होने चाहिए, ये डिस्टेंस के लॉजिक से सुनो। तो अगर इनइक्वालिटी में मॉड दिया हुआ है तो पहले इक्वल वाले पॉइंट्स, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, और उसके बाद आसपास का एरिया ट्रेस कर लो, जो हमने उसमें सीखा था इक्वेशंस में, इनइक्वालिटी के लॉजिक्स में सीखा था, ठीक है। तो अगर मैं 2-3 कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड कराता हूं, तो आपको दिखना चाहिए कि सपोज ऐसा होता है एक्स माइनस फाइव इस, या एक्स ऐसा कुछ एक दो ले लेते हैं, यही के है ना। अब ऐसे एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, सपोज एक्स प्लस टू इज स्मॉलर देन थ्री, ठीक है। तो पहले क्या निकालोगे कि एक्स प्लस टू का ओरिजिन क्या है, जीरो, मतलब टू हो जाएगा। अब हमारा ओरिजिन टू ओरिजिन है, टू से अगर राइट में जाना है तो +5, नहीं वेट, हमारा ओरिजिन क्या है, -2, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू -2 इज आर ओरिजिन, ठीक है, पहले रिपीट कर रहा हूँ बार बार। तो हमारा एक्स इक्वल टू -2 हमारा ओरिजिन है, -2 से 3 के में डायरेक्ट जाना है, दैट इज +1, अगर इधर आना है तो दैट इज -5। ये हमारे इक्वल टू 0 के लिए आए हैं, मतलब मॉड ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू 3 के लिए पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, दैट इज ये दोनों पॉइंट आ गए, और अब हमको इससे बड़ा ही चाहिए। तो हमारा रेंज ऑफ वैल्यूज कौन कौन सा, ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला। अगर इसी में ये छोटा होता, अगर ये स्मॉलर देन 3 होता, तो ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ता हमको फिर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। 2-3 क्वेश्चन और इसी में लॉजिक समझते हैं, एक दो और लॉजिक समझते हैं कराने दे दो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है 2x प्लस 5 स्मॉलर देन 3, ठीक है, ये 2x माइनस 5 ले लो, चलो है ना, 2x स्मॉलर देन 3, पहले तो इसको इक्वेट कर दो, मतलब 2 कर दो, तो ये 2.5 आ गया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, और ये 1.5 आ गया, ठीक है। अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आया है, x इक्वल्स टू 2.5, ठीक है, और मेरे को राइट में जाना है तो +1.5, दैट इज 4, और अगर माइनस एक लेफ्ट में जाना है तो 2.5 -1.5, दैट इज लाइक 1, ठीक है। तो अब हमारे दो पॉइंट्स आएंगे 1, 4, अब देखो स्मॉलर देन चाहिए तो अंदर वाला डिस्टेंस, और क्रिटिकल पॉइंट क्या था हमारा 2.5, तो 2.5 से इधर का और इधर का डिस्टेंस इक्वल, तो x की रेंज हो जाएगी फ्रॉम 1 to 4, अगर इक्वल टू साइन होता है यहाँ इक्वल टू, तो ये दोनों इक्वल टू में हो जाते हैं, ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूड कर लेते हम, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो ये वाला लॉजिक क्लिक होना चाहिए, इतना कुछ दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए इसमें। तो अगर इसी का जनरलाइज फॉर्म देखना है मुझे, अगर लाइक इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, ठीक है, लेट्स टेक इट इन दी जनरलाइज फॉर्म। अगर आपको ये क्लिक हो गया होगा इनइक्वालिटी, तो मॉड एज एन इनइक्वालिटी भी क्लिक हो जाना चाहिए आई होप, क्योंकि ईजी है अभी तक। तो फॉर ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एफ एक्स मॉड एक्स इक्वल्स टू ए, मॉड एक्स इक्वल्स टू ए, देन एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट क्या है, एक्स इक्वल्स टू +-a, ठीक है। सेकेंडली इफ मॉड एक्स इज स्मॉलर देन ए, है ना, तो एक्स का रेंज हो जाएगा -a से a, ठीक है। थर्डली फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन a, तो मॉड एक्स का रेंज हो जाएगा स्मॉलर देन -a और x इज ग्रेटर देन a। तो आप अगर चाहो तो जनरलाइज फॉर्म में इसको देख भी सकते हो, और हमेशा ऐसे ही आंसर आना है हमारा, क्या कि अगर मॉड x है तो इसको जनरलाइज, जिसको आप थ्योरी के साथ लर्न करो ना करो बात एक ही है, अगर कोई a पॉजिटिव रियल नंबर है तो मॉड x इज स्मॉलर देन a, तो x की रेंज हो जाएगी, ये वो वाला हो जाएगा, दैट इज -a से अंदर, ठीक है। अगर इंक्लूड इक्वल वाला साइन होगा तो इन दोनों को इक्वल कर दो, यहाँ पर सब में इक्वल टू साइन लगा दो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यूज क्या है, ठीक है। ये अगर हमारा जनरलाइज फॉर्म समझ आ गया, तो मैं अब थोड़े से क्वेश्चन करा देता हूँ इसी पे बेस्ड।